नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र पंडे आप सभी का पंड्या नॉलेज ग्रुप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं 2-3 दिन से यहीं बीकानेर हूं निदेशालय में, कट ऑफ के संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए। और मैंने इस बारे में सभी उच्च अधिकारियों से वार्ता की है और पॉजिटिव फैक्ट्स मिले हैं, तो वो आपको अपडेट करना चाह रहा था। और मैं आज वापस होम टाउन निकल रहा हूँ। रीज़न ये है कि इसमें टाइम लगना है अभी कट ऑफ में। दोस्तों, DPO से डेटा प्रोसेसिंग यूनिट जो है, वहाँ से इनके पास डेटा जो है निदेशालय को 2 दिन पहले ही प्रोवाइड हुआ है और 380,000 फॉर्म आए हैं अभी तक जिन्होंने अप्लाई किया है इस वैकेंसी में, 28,000 वैकेंसी में Level 2 में। तो निदेशालय ने बोला है कि इनको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है प्रोसेसिंग में, और इस वजह से ये जो रिज़ल्ट है या जो कट ऑफ है वो मंडे ट्यूसडे से पहले जारी नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन में। ये मेरी उच्च अधिकारी से बात हुई है, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, लेकिन ये फैक्ट न्यूज़ है और इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप संयम बरतें हैं, क्योंकि अभी टाइम लगेगा। और जो सोशल मीडिया पे भी न्यूज़ आ चुकी है, न्यूज़पेपर में भी आई है और इवन कुछ मीडिया में भी आई हुई है, तो इसमें कुछ फैक्चुअल नहीं है, फैक्ट्स नहीं है। ये आपको कन्फर्म करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये फैक्ट न्यूज़ हमने आज ही ली है और कल हमने जो पता किया था उसमें केवल डेडलाइन पता नहीं चल पा रही थी, लेकिन आज हमें डेडलाइन मालूम पड़ गया है। और इवन जो डायरेक्टर साहब हैं वो भी जयपुर निकल चुके हैं आज मॉर्निंग में ही, और उन्होंने जयपुर में डेरा डाले हुए हैं और सारी टीम जो है वो जयपुर में है अभी राइट नाउ, और पूरी तैयारी चल रही है अभी। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंडे ट्यूजडे से पहले किसी तरह की कोई कट ऑफ होने की कोई संभावना नहीं है, तो आप संयम बरतें। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एडिशनल वालों के लिए बताना चाहूँगा कि एडिशनल वालों को कोर्ट के आदेशानुसार अभी कट ऑफ में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि कमलेश मीणा जो केस है उसका लिस्टिंग हो चुका है और कुछ ही दिन में ये कोर्ट रूम अलोकेट हो जाएगा, रफीक साहब की शायद कोर्ट आएगी। ठीक है, तो आप लोग बताना चाहूँगा कि उसकी भी हमारी तैयारी हो चुकी है और हम लोग उसको पूर्णतया खारिज कराने में पूरा जतन कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो अंत में दोस्तों यही फाइनल अपडेट है कि मंडे ट्यूजडे से पहले कटआउट आने की कोई संभावना नहीं है। 380,000 फॉर्म आ चुके हैं, DPO से जो डेटा है वो इनको 2 दिन पहले ही मिला है, इसलिए इनको अभी टाइम लगेगा। ये उच्च अधिकारी से वार्ता के दौरान मुझे पता चला है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी जो अपडेट है वो मैं करता रहूँगा। फ़िलहाल मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, बीकानेर से होम टाउन के लिए। धन्यवाद।